हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम के समथिंग पनीर लिया है और पनीर के इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। पनीर में हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। एक चुटकी के समथिंग नमक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक चौथाई चम्मच ओरिगेनो। तो पनीर को मसाले में कोट कर लेंगे। इस तरह से हमें पनीर को कोट करके रख देना है। अब बाउल को हम रखेंगे साइड में। अब मैंने ये 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, तो आलूओं को हमें मैश करना है। सारे आलूओं को हम अच्छे से मैश करेंगे, इसमें बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो सभी आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मिक्स करके हमें डो की तरह तैयार करना है। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया है। डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, छोटी बॉल जितना। तो इस तरह से मैंने इसे छोटा कर लिया है। तो पनीर को हमने मसालों से कोट करके रखा था। पनीर के एक क्यूब को हम इस तरह से लोई के अंदर रखेंगे और इसे प्रॉपर शेप दे देंगे। इसे हम सभी तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और प्रॉपर शेप देंगे। तो मैंने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, तो इसे हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। जब हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करते हैं तो जो नाश्ता है उसकी परत बहुत ही क्रिस्पी लगती है। इस तरह से हमें इसे रेडी कर लेना है। पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है, तो तेल भी गर्म हो गया है। तो सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम तेल में रखेंगे। इस नाश्ते को मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम एक साइड से सेल फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इन्हें हम पलट लेंगे। पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेल फ्राई कर लेंगे। नाश्ता दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म नाश्ता बनकर रेडी है। इस नाश्ते को आप मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो एक बार इस नाश्ते को जरूर बनाकर देखें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।